फॉर्म 16 क्या होता है, किस काम आता है, इसके कितने पार्ट होते हैं, अगर ऐसे आपके सवाल हैं तो अगले कुछ मिनट ध्यान से देखिए। अगर आप नौकरी कर रहे हैं और टैक्स के दायरे में आ गए हैं तो ये वीडियो आपके बेहद काम का है, क्योंकि फॉर्म 16 से जुड़ी जानकारी आपको आसान भाषा में देने की कोशिश होगी। नमस्कार, मैं हूं गौरव मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज़ रूम पोस्ट। सबसे पहले बात, फॉर्म 16 होता क्या है। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और कंपनी की तरफ से आपको फॉर्म 16 नहीं मिला है तो आप पूछिए। फॉर्म 16 कंपनी ही कर्मचारी को देती है। होता क्या है इसमें, इसके अंदर कर्मचारी की सैलरी पर काटे गए टैक्स की सारी जानकारी होती है। इसके साथ ही अगर कर्मचारी ने एचआरए या तमाम तरह के निवेश करके टैक्स को बचाया है तो उसकी भी जानकारी इस फॉर्म 16 के अंदर होती है। आसान शब्दों में कहें तो फॉर्म 16 किसी कर्मचारी की सैलरी पर टैक्स की गणना का सर्टिफिकेट है और इस सर्टिफिकेट को कंपनी की तरफ से सरकार के पास भी भेजा जाता है। फॉर्म 16 को TDS सर्टिफिकेट कहा जाता है और यह आयकर रिटर्न यानी ITR दाखिल करने के लिए सबसे अहम दस्तावेजों में से एक है। फॉर्म 16 में दो भाग होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। एक एक कर जानते हैं कि पार्ट ए में क्या जानकारी होती है और पार्ट बी में क्या जानकारी होती है। पार्ट ए में नियोक्ता का नाम यानी कंपनी का नाम और पता होता है, नियोक्ता का पैन नंबर होता है, कर्मचारी का भी पैन नंबर पार्ट ए में होता है, कंपनी का TAN नंबर, वर्तमान नियोक्ता के साथ रोजगार की अवधि क्या है इसका भी जिक्र होता है, साथ ही तिमाही आधार पर काटे गए और जमा किए गए टैक्स का विवरण जो नियोक्ता द्वारा प्रमाणित होती है। तो ये कर्मचारियों के लिए बेहद अहम होता है। इसी में टैक्स से लेकर तमाम डिडक्शन की भी जानकारी दी जाती है। इस हिस्से में आपकी सैलरी का पूरा डिटेल्ड ब्यौरा होता है। इसके अलावा धारा 10 के तहत छूट की सीमा तक के भत्ते की भी जानकारी इसमें दी जाती है। इसके अलावा आयकर अधिनियम के चैप्टर 6A के तहत अनुमति प्राप्त कटौती और धारा 89 के तहत राहत की भी जानकारी दी जाती है। पार्ट बी पार्ट ए का एक अनुलग्नक भी कहा जाता है। अगर आप किसी एक वित्त वर्ष में अपनी नौकरी बदलते हैं तो ये आपको तय करना होता है कि आप दोनों नियोक्ताओं से यानी दोनों कंपनियों से यानी आखिरी कंपनी से फॉर्म का पार्ट बी प्राप्त करें। बात करें अगर ITR कैसे फाइल की जाती है उसकी, क्या बिना फॉर्म 16 के ITR फाइल कर सकते हैं, तो जवाब है हाँ। आपको बता दें कि आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए फॉर्म 16 महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर आपके पास फॉर्म 16 नहीं है तब भी आप ITR दाखिल कर सकते हैं। हाँ, फॉर्म 16 ITR के लिए ज़रूरी ज़रूर होता है। अगर आपके पास फॉर्म 16 नहीं है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप फॉर्म 16 के बिना अपनी ITR फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका फॉर्म 16 खो गया है तो भी आप नियोक्ता से यानी कंपनी से डुप्लीकेट फॉर्म 16 के लिए निवेदन कर सकते हैं। और अगर आप एक वित्त वर्ष में अपनी नौकरी बदलते हैं तो हर नियोक्ता रोजगार की अवधि के लिए फॉर्म 16 का एक अलग पार्ट ए जारी करेगी। हर कंपनी के लिए टैक्सपेयर को फॉर्म 16 जारी करना ज़रूरी है। अगर आपको कोई कंपनी फॉर्म 16 देने में आनाकानी करे तो आप उसकी भी शिकायत कर सकते हैं। अगर आप नियोक्ता को किसी निवेश की जानकारी देने से भूल गए हैं और आप पर टैक्स भी लग गया है तो आप ITR भरते वक्त उसे उसमें शामिल कर सकते हैं और आपको टैक्स रिफंड मिल जाएगा। आयकर रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख भी नज़दीक आ रही है। अभी यह तारीख 31 जुलाई ही है, इसे आगे नहीं बढ़ाया गया है। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, समझ में भी आई होगी। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।